अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही क्विक और टेस्टी ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी और फिर आप इसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड ऑमलेट। इसके लिए मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के और उसकी मैं एजेस कट करके सेंटर को अलग कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से कट करना है। हमें जेंटली इसे कट करना है और एजेस को अलग कर देना है सेंटर से। ये देखिए इस तरह से हम सारे ब्रेड कट कर लेंगे और फिर जो कट किए हुए सेंटर वाले पीसेस हैं उस पर हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैंने सारे ब्रेड के स्लाइसेस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है। अब हम एक बाउल में 4 अंडे लेंगे। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी प्याज कटी हुई और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन या टमाटोज, जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे। जब तक मैं इसे बीट कर रही हूँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब एक पैन में हम बटर गरम कर लेते हैं। इस तरह से स्प्रेड कर लेना है बटर को पैन में। बटर हमारा गरम हो चुका है। अब हमने जो ब्रेड के एजेस कट करके रखे थे वो हम इसमें प्लेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके सेंटर में हम एग का मिक्सचर धीरे से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसे हम 1 मिनट तक पकाएंगे और फिर उसके ऊपर श्रेडेड चीज़ स्प्रेड कर देंगे। मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ लिया है, आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं। फिर इस पर हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। अब हम इसे ब्रेड के स्लाइस से कवर कर देंगे और इसे हल्के से प्रेस करेंगे स्पून की मदद से। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर उसका साइड टर्न कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से पक चुका है ये एक साइड से। अब हम इसे दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक पकाएंगे। हमारा ब्रेड ऑमलेट अब रेडी है। इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और कितनी आसानी से और जल्दी बन गया है। एकदम यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।